हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की स्पर्श, और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसका तीसरा पार्ट, जिसके रचनाकार है नजीर अकबराबादी। नजीर अकबराबादी जो आपकी प्रस्तुत नज्म है वो आदमी नामा है, और इसमें नजीर ने कुदरत के सबसे नायाब बिरादर आदमी को आईना दिखाते हुए उसकी अच्छाइयों, सीमाओं, संभावनाओं, उसकी बुराइयों सब के बारे में बताया है कि आदमी किस किस प्रकार के होते हैं, क्या उसके सकारात्मक पहलू हैं, क्या उसके नकारात्मक पहलू हैं, और इस संसार को और भी सुंदर बनाने के उन्होंने संकेत भी दिए हैं। कहते हैं जो ये हमारे अकबराबादी थे, ये बड़े अपने नज्म कहने के लिए मशहूर थे, और ऐसी हालत थी इनकी कि अगर जैसे टट्टू पर सवार होकर नजीर कहीं भी किसी को आते जाते दिख जाते और कोई कहता कि फरियाद कर देता कि देखो आप हमारे लिए एक नज्म रच दो ना, तो जैसे भिश्ती, ककड़ी बेचने वाला या बिसाती, मतलब किसी पर भी ये नज्म रच देते थे और वो उन्हें गा गा कर अपना सामान बेचा करते थे। तो ये थे हमारे अकबराबादी। आइए अब पढ़ते हैं इनका आदमी नामा नजीर अकबराबादी का। दुनिया में बादशाह सो है वह भी आदमी, और मुफलिस ओ गदा है सो है वो भी आदमी, जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। तो दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, कवि क्या बता रहा है कि जो आदमी है उसके भिन्न भिन्न प्रकारों पर यहाँ पर प्रकाश डाल रहा है, विचार कर रहा है, क्या बता रहा है कि दुनिया में तरह तरह के आदमी है। कैसे आदमी है कि जो लोगों के बादशाह बने हुए हैं, बादशाह मतलब राजा बने हुए हैं, जिनके पास दुनिया भर के तमाम वैभव है, सब पूरी तरीके से संपन्न है, दौलत है, खजाने हैं, तो वो जो बादशाह है वे भी आदमी ही है। और मुफलिस यानी जो गरीब है, गदा मतलब भिखारी, यानी जो इतना गरीब है कि भीख मांग कर खाना खाता है, वो भी एक इंसान ही है। जरदार बेनवा है, जरदार मतलब धनवान और बेनवा मतलब कमजोर, तो कह रहे जरदार जो है यानी जो धनवान है वो भी एक आदमी ही है, और जो बेनवा अर्थात जो धनहीन है, जो बहुत कमजोर है, वो भी एक आदमी ही है। नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, नियमत मतलब स्वादिष्ट भोजन, कह रहा जो स्वादिष्ट भोजन खा रहा है वो भी एक इंसान ही है, और टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी, और जो टुकड़े चबाने का मतलब होता है कि जिसको बहुत मुश्किल से भोजन उपलब्ध हो, जो बहुत ही रूखा सूखा भोजन खा के अपना गुजारा कर रहा है, जैसे सूखी रोटी रोटी के टुकड़े चबाने को मिल रहे हैं, वह भी एक इंसान ही है। तो इंसान के प्रकारों का यहाँ वर्णन किया गया है। उर्दू भाषा है, आप देख रहे होंगे वैसे खड़ी बोली है, बट इसमें बहुत सारे उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया गया है। वैसे भाषा बहुत सरस है, सरल है, अच्छी है, और आदमी की भांति भांति की विभिन्न स्थितियों का वर्णन किया गया है। चलिए दूसरे पद्यांश की ओर। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियां, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबाखवां, पढ़ते हैं आदमी हो कुरान और नमाजियां, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियां, जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। तो कह रहे मस्जिद भी आदमी ने ही बनाई है ये मियां, तो क्या बता रहे हैं कि जो आदमी है उसके विभिन्न भिन्न कामों का, विभिन्न स्वभावों का वर्णन इस पद्यांश में किया गया है कि जो मंदिर, जो मस्जिद बनाई गई है, मस्जिद क्या होती है, जहां पर हमारे मुस्लिम भाई बैठकर नमाज पढ़ा करते हैं, तो कह रहा है मस्जिद में बैठकर नमाज पढ़ने वाला भी एक आदमी ही है, एक इंसान ही है, और बनते हैं आदमी ही इमाम, इमाम कौन होते हैं, नमाज पढ़ने वाले धार्मिक मुसलमान, और खुतबाखवां कौन है, जो कुरान शरीफ को एक्सप्लेन करते हैं, उनका अर्थ बताते हैं। तो कह रहा है उन्हीं आदमियों में से, इंसानों में से ही एक कोई इमाम बन जाता है, इमाम मतलब उसको नमाज को पढ़ाने वाला, पढ़ने वाला, और कोई खुतबाखवां बन जाता है अर्थात कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाला, यानी उसको इतना ज्ञान हो जाता है कि वो कुरान शरीफ के अर्थ को भी आपको बहुत विस्तार से बता सकता है, यानी ये लोग ज्ञानी पुरुष है। पढ़ते हैं आदमी हो कुरान हो नमाजियां, और
और क्या है जो बाकी के मुसलमान हैं सामान्य जो है वो क्या करते हैं, वो इमाम से कुरान का अर्थ भी सुन रहे हैं और वे खुद भी नमाज पढ़ रहे हैं, खुद भी अपने इस धार्मिक कृत्य को कर रहे हैं। और कुछ ऐसे आदमी भी हैं और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियां। कह रहा कुछ ऐसे आदमी है, कुछ तो देखो कितने विद्वान हैं अंदर जो बैठे हुए हैं, कुछ अपने धर्म के काम से वहां आए हैं, वो अपना नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बुरे स्वभाव के हैं, वो नमाज पढ़ने आने वालों की मस्जिद के बाहर से जूतियां चुरा लेते हैं। अब वो कह रहा है ये तो कितना बुरा कृत्य है, चोरी करने का काम भी इंसान ही कर रहा है। और उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी, ताड़ने का मतलब होता है कि जो उनको देख के अरे ये तो चोर है समझ जाता है, भांप लेता है। तो कह रहे जो उनको चोरी करने वाले लोगों को भांप लेता है और उन्हें पकड़वाता है, चोरी करने से रोकता है, वह भी एक इंसान ही है। तो यहाँ इंसान के बहुत सारे, मनुष्य की बहुत सारी स्थितियों और स्वभाव का विस्तार से वर्णन किया गया है। ठीक है, उर्दू की शब्दावली है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, और खड़ी बोली का प्रयोग है। मैं बार बार आपको बोली और शब्दावली इसलिए बताती हूँ, जो बहुत बार जब 5 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आपसे भाषा के बारे में तो अवश्य ही पूछा जाता है 1 नंबर में कि किस भाषा का प्रयोग है, किस भाषा। तभी मैं पिछली बार आपको बताती जा रही थी ब्रिज का है, यहाँ पे बता रही हूँ खड़ी बोली का है, उर्दू वाली शब्दावली है, कहीं कहीं तत्सम यानी संस्कृत निष्ठ शब्दों का भी वर्णन है। तो आप इन सब बातों को बहुत ध्यान से करके जाइएगा। तीसरा, यह आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी पे तेग को मारे है आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वह भी आदमी। तो यो आदमी पे जान को वारे है आदमी, जान को वारना क्या होता है कि ये इंसान ही है जो दूसरे इंसान पर अपने प्राणों को न्योछावर तक कर देता है। दूसरी ओर ऐसा भी दुष्ट स्वभाव का आदमी है, और आदमी पे तेग को मारे है आदमी, कि कुछ ऐसा भी दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति है कोई जो दूसरे व्यक्ति को तलवार से मार डालता है, तलवार से काटने का प्रयास करता है। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, आप जानते हैं पगड़ी उतारना एक मुहावरा है जिसका अर्थ क्या होता है, दूसरे की इज्जत मान सम्मान को चोट पहुंचाना। तो वो कह रहा है पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी की, कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिन्हें दूसरे को का अपमान करने में बहुत आनंद आता है। तो कह रहा है कुछ ऐसे भी दुष्ट व्यक्ति हैं जो दूसरे की पगड़ी उतारते हैं, मतलब पगड़ी उतारना मतलब दूसरे को अपमानित करके प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और कभी कभी क्या होता है आवश्यकता पड़ने पर अपनी सुरक्षा के लिए जो चिल्ला के आदमी को दूसरे व्यक्ति को पुकारता है वो भी एक इंसान ही होता है, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी, और किसी की आवश्यकता की पुकार पर सुन के उसकी मदद के लिए दौड़ने वाला व्यक्ति भी एक इंसान ही है। तो यहाँ पर इतने सारे इंसानों का के विषय में बताया गया है। फिर से बोलूंगी कि उर्दू का, हिंदी और उर्दू का मिश्रित भाषा है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, और जो है मुहावरों का भी सुंदर प्रयोग है, जैसे मैंने आपसे बोला कि पगड़ी उतारना और ये सब मुहावरे हैं। आगे चलते हैं, चौथा पद्यांश, अशफाक और कमीने से ले शाह ता वजीर, ये आदमी ही करता है सब कार्य दिल पजीर, या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहता है ए नजीर, और सब में जो बुरा है सो है वह भी आदमी। अभी कह रहा है अशराफ और कमीने, अशराफ कौन है शरीफ लोग, और कमीने कौन है तुच्छ लोग, है ना। तो कह रहा है कि कुछ लोग कैसे हैं इंसानों के बीच में ही, कि जो बहुत शरीफ होते हैं सज्जन होते हैं, और कुछ कैसे होते हैं कमीने, कमीने को क्या कहेंगे आप तुच्छ, कमीना गाली भी होती है, बड़ी जल्दी से आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है ऐसी कोई गाली सुन के, तो ये गाली है, गाली मतलब तुच्छ व्यक्ति, ठीक है। तो कमीने का मतलब क्या है, तुच्छ व्यक्ति, गंदे आदमी, बुरे आदमी, तो बुरे किस्म के होते हैं। फिर ये आदमी ही करते हैं सब कार्य दिल पजीर, तो ये कह रहा है कि ये जो आदमी है ये ही क्या करते हैं कि बादशाह से लेकर मंत्री तक, कार्य दिल पजीर का मतलब क्या होता है कि मनचाहा काम करने वाले, यानी जो उनका मन करता है वो करते हैं, यानी कुछ लोग कैसे होते हैं अपने बड़े स्वच्छंद रूप से जीते हैं, अपने जो दिल में आता है करते हैं, मनचाहा काम करने वाले, चाहे बादशाह हो चाहे मंत्री, ठीक है, वजीर मतलब मंत्री, शाह मतलब बादशाह। तो कुछ लोग कैसे हैं कि कुछ लोग शरीफ होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं, तुच्छ होते हैं, बादशाह से लेकर मंत्री तक सब काम करने वाले आदमी ही लोग तो हैं, और कुछ आदमी कैसे हैं जो अपना सिर्फ मनचाहे काम करते हैं, और कुछ कैसे हैं
या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर। तो कह रहा है कि कई बार क्या है कि आदमी मुरीद होता है शिष्य, कह रहे तो कुछ लोग कैसे हैं कि जो शिष्य के रूप में काम करते हैं, और कुछ कैसे है आदमी जो पीर, पीर कौन होते हैं धार्मिक गुरु सॉरी, तो कुछ लोग धार्मिक गुरु हैं, वे धार्मिक गुरु के रूप में कार्य किया करते हैं। अच्छा भी आदमी ही कहता है ए नजीर, नजीर माने उदाहरण, एग्जाम्पल। तो कह रहा जो अच्छा आदमी है, इनमें से कुछ बहुत अच्छे आदमी है, वो क्या है, वो उदाहरण, जिनके की उदाहरण जनता देती है, जिनके की उदाहरण हम लोग देते हैं, जिनका जीवन इस तरीके का होता है कि हम उनके रास्ते पे चल सके। तो कुछ लोग अपना जीवन को एक उदाहरण की तरह सेट करते हैं, उदाहरण की तरह मिसाल बन जाते हैं। और सब में जो बुरा है सो है वह भी आदमी, कह रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर आदमी एक मिसाल बन के काम कर जीवन जीता है, बल्कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत बुरे हैं और उनका जीवन हमें शिक्षा नहीं देता, बल्कि हमें यह शिक्षा जरूर देता है कि हमें उनके जैसा नहीं बनना चाहिए। तो ये था बच्चों आज का हमारा पाठ। तो इसमें मैं फिर बता दूं, हिंदी उर्दू भाषा का मिश्रित प्रयोग है और मुहावरे का बड़ा सुंदर प्रयोग हुआ है, उर्दू की शब्दावली बड़ा सटीक है। अच्छा एक बार थोड़ा सा संक्षेप में कर लेते हैं बस इसको, और फिर मैं समाप्त करूंगी। पहले छंद में जो कवि की दृष्टि में आदमी के किन किन रूपों का वर्णन है, बादशाह का, गरीब व दरिद्र का, मालदार का, एकदम कमजोर मनुष्य का, स्वादिष्ट भोजन करने वाले का, सूखी रोटियां चबाने वाले का। तो पहले पद्यांश में इन इन लोगों का वर्णन है। एक और बस बताना चाहूंगी कि कवि ने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों को तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत किया, यानी मतलब एकदम कंपैरिजन किया कि ऐसा आदमी है एक ऐसा आदमी है, ठीक है ना, कि कोई पगड़ी उछालने वाला है तो कोई दूसरे का सम्मान करने वाला है, कोई दृष्ट एग्जाम्पल बन जाता है किसी का जीवन किसी का, ये तो दोनों रूप आ रहे हैं इसमें। तो सकारात्मक कौन कौन से आ रहे हैं मैं बताती हूं, बादशाह, मालदार, स्वादिष्ट भोजन करने वाला, चोर पे निगाह रखने वाला, जान न्योछावर करने वाला, सहायता करने वाला, शरीफ लोग, अच्छे लोग, इमाम या जो कुरान की व्याख्या करने वाले हैं, तो ये सब है। और बुरे लोगों में नकारात्मक रूप में क्या क्या बताया कि दीन दरिद्र है, कमजोर है, सूखी रोटियां चुराने वाला खाने वाला इंसान है, जूतियां चुराने वाला व्यक्ति है, जान से तलवार से मारने वाला व्यक्ति है, अपमान करने वाला व्यक्ति है, कुछ कमीने तुच्छ लोग हैं और कुछ बुरे लोग भी हैं। तो ये है इंसान के नकारात्मक पक्ष। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि इस पाठ में किस प्रकार से आदमी के भिन्न भिन्न रूपों को, भिन्न भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। तो बच्चों इसके साथ ही मैं इस पाठ को अभी मैं यहीं पे विराम देती हूँ, अब हम मिलेंगे अगले पाठ के साथ, ठीक है। तो ये पाठ में मैं बस जाते जाते आपको एक और बताना चाहूंगी कि आप ना ये वाले प्रश्न, एक जो इम्पोर्टेंट प्रश्न इस पे बार बार आता है, इसको जरूर कर जाइएगा। निबंधात्मक प्रश्न में है ये, कविता जो है आदमी नामा के आधार पर आदमी की विशेषताएं, ये कैसा प्रश्न है, इसमें क्या होता है कि इसमें सब तरीके का जो मैंने आपको सकारात्मक नकारात्मक रूप बताया है, ये दोनों तरीके का रूप आ जाएगा। तो आप इस प्रश्न को डिटेल में कर जाएंगे तो अगर इसमें से कोई छोटा प्रश्न निकलेगा आप करने में सक्षम होंगे, ठीक। तो चलिए अब इस सबके साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, अगले पार्ट में मिलते हैं, नमस्कार।